तनाव जिंदगी की कर रहे हैं एक नई शुरुआत और क्या लेके जाएंगे आप अपने साथ, इस विषय पे आज चर्चा हो रही होगी। और जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो कि अब फर्स्ट ईयर के अंदर जंप करने वाले हैं और 15-20 दिन एक महीने में आपके ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, उन सभी बच्चों को 5-6 चीजें जो कि अपने साथ लेके जानी है, वो भयंकर गलतियां, शर्मनाक गलतियां जो कि हमने अपने समय में करी और आपको अपने एक्सपीरियंस से अब बता रहा हूँ, वो आप कोशिश करें कि ना करें। और जितने भी 75 कॉलेजेस में सौभाग्य मिला सेमिनार लेने का, उन बच्चों से क्या सीखा वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड हॉलीवुड ने हमारे दिमाग में कुछ हाई एस्पिरेशन सेट कर दी हैं कि यार कॉलेज जाएंगे, ये बंधुआ पंछी अब उड़ने वाला है, तो क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए वो आप सभी लोगों को बताई जाएंगी। पहली चीज़, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सबके सब लोग अब लैपटॉप पे आ गए हैं, एक लैपटॉप ज़रूरी है, कौन सा लैपटॉप लें? पहली बात, चाहे 25,000 से लेके 2,00,000 का कोई भी आप लैपटॉप लें, वो आपकी प्लेसमेंट के बीच में रोड़ा नहीं बन रहा होगा, तो जो आपका बजट अलाउ करे वो लें, शो ऑफ के लिए मत करें, क्योंकि जो भी चीज़ आप शो ऑफ के लिए लोगे, चाहे लैपटॉप, कपड़े या कुछ भी, उस 3,000 की पॉपुलेशन के कॉलेज में जब आप जाओगे तो पता चलेगा अरे ये चीज़ तो 300 लोगों के पास ऑलरेडी है, प्लस किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो। तो शो ऑफ को अवॉइड करना है, अपने बजट के अकॉर्डिंग चलना है। एक चीज प्रोटिप देना चाहूंगा, हो सकता है आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो पर आप मेरी तरह कुछ एडिटिंग वगैरह के डायरेक्शन में आना चाहो, या फिर हो सकता है कि आपकी कोडिंग की ब्रांच ना हो और आप टेक में घुसना चाहो, तो आपके ऐसा लैपटॉप लें जो कि सारे काम थोड़े थोड़े कर पाए, आपके बजट के अंदर हो, उस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड चीज पे एक अच्छी सेट ऑफ बुक्स जरूर लें। कौन सी? फिक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सेल्फ ग्रोथ बुक्स की बात हो रही है, जैसे कि डेल कार्नेगी की आती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कॉलेज में जा रहे हो, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, एकमात्र चीज जो कि आपको अपनी कॉलेज डिग्री और प्लेसमेंट्स के साथ सीखनी है, ये कॉलेज एक प्लेइंग फील्ड है और यहाँ पे आपको लोगों से बात करनी, काम करवाना सीखना है। ये पूरी पृथ्वी पे लोग ही लोग हैं और ये सिस्टम तब चलता है जब आप वार्तालाप करते हो एक दूसरे से, तो शर्माना किसी से नहीं है। इनफैक्ट मौके ढूंढो, जब एक दोस्त से भी बात करते हो तो देखो, कभी कभी होता ना बात करके, अरे यार ये चीज़ तो बताई नहीं, इसको ऐसे बोल सकता था, वहां से हमें लर्निंग करनी है, ठीक है, वो लर्निंग एटीट्यूड मेंटालिटी लानी है। पढ़ाई ज़्यादा नहीं होगी, अनटिलनेस आप मेडिकल कॉलेज के बच्चे नहीं हो, मेजॉरिटी जितने भी इंजीनियर्स या बीएससी, बीकॉम, बीए कर रहे हो, उन सभी बच्चों को 12 महीने में से सिर्फ 3-4 महीने की आपकी पढ़ाई होगी। चलो प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा खींच के रखते हैं, 5 महीने 6 महीने, पर 6 महीने आपके पास फ्री होंगे। उन 6 महीनों में भैया कैसे फ्री होंगे, समर वैकेशन जोड़ लो 1 से 2 महीने की मिनिमम होती है, विंटर ब्रेक जोड़ लो 15 दिन से 1 महीने का बिल्कुल होता है, फिर सैटरडे संडे ऑफ होता है काफ़ी कॉलेजेस में, इन सबको जोड़ोगे आपके 6 महीने बच जाते हैं। फिर सेमेस्टर के दौरान भी आप कितना पढ़ते हैं आप जानते हैं, इतना नहीं होती पढ़ाई, तो 6 महीने हर एक के पास होंगे। उस दौरान साइड हसल जरूरी है, सेल्फ को कार्बन से अब डायमंड बनने का जनाब समय आ गया है, अब घिसाई होगी, अभी तक बहुत पढ़ाई कर ली, अब खुद पे काम हो रहा होगा। मैं वो व्यक्ति हूं जो कि 12वीं तक शर्माता था, अगर विश्वास नहीं है तो मेन चैनल अमन दत्तवाल पे जाके 6 साल पुराना वीडियो देखना, आपको एक अलग ही जीव मिलेगा वहां पर, ठीक है, और वहां से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बोलना सीखा है। आप बोल नहीं, आप गाना गा सकते हो, आपकी जो भी कमजोर चीज है उसको आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ। थर्ड चीज जनाब, भैया बुक्स कौन सी खरीदनी है ये अगर पता चल जाए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो दूंगा जहां पे जितनी भी अच्छी सेल्फ ग्रोथ बुक्स हैं, फाइनेंस की हो गई, बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप्स की हो गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की होगी। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे तो मैंने मेन चैनल पे एक कोर्स बना रखा है, वो देख लेना। बॉडी लैंग्वेज पे भी एक मैंने कोर्स फ्री में बना रखा है, मेन चैनल पे सारे फ्री हैं, वो देख लेना, ठीक है, रिसेंटली 2-4 दिन में बनाए हैं। अच्छा, अब क्लोथ्स किस प्रकार से रखे जाएं, यहां एक ऐसा फील्ड है जहां मेरे और मेरे सभी दोस्तों ने हॉस्टल में बहुत बड़े बड़े भयंकर किए, ब्लंडर किए। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, सीनियर्स आए हमारे पास, उन्होंने कहा फ्रेशर्स पार्टी है, सब लोग अच्छा बन ठन के आना, सबसे 1,000 रुपये ले लिए। हम बन ठन के जा रहे थे तो मैंने दोस्तों से पूछा क्या पहन रहे हो, खुद भी पहन के आ गया। क्या पहना मैंने? एक काले रंग का कोट जो शादियों में पहना जाता है, और उसके नीचे शर्ट नहीं थी, उसके नीचे थी बनियान ग्रे कलर की, क्योंकि मुझे लगा वो चीज़ कूल है। और मैंने 3 लोगों से पूछा, उन्होंने भी कहा कूल है। नीचे क्या था? नीचे थी ब्लू कलर की जीन्स, और उसके नीचे क्या था? स्पोर्ट शूज, वो भी बास्केटबॉल के बड़े वाले, तब इमेजिन कर लो मुझे। और लास्ट में ये पार्टियां कहाँ होती हैं? थोड़ी अंधेरी जगह, डिम लाइटें होती हैं, डिस्को लाइट्स लग रही होती हैं, वहां पे मैं काले चश्मे पहन के गया धूप वाले। तो ये होता है कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप नहीं थे, मैं हूँ, और मेरे जैसे कुछ और भी आपको दिखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो बॉलीवुड वालों ने मैंने गलत सिखाया, और मैंने अपने दोस्तों से पूछा, या तो उन्होंने बताया नहीं या उन्हें पता नहीं था।
पर जैसे ही आप सेकंड ईयर में आते हो, अब आप अपने नेचुरल सेल्फ में आते जाते हो, आप थोड़े सोबर कैप कपड़े पहनने शुरू करते हो, वो जो कि जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। थर्ड और फोर्थ तक आपका वो बढ़ता जाएगा। तो कॉलेज घुसने से पहले ही 25 जोड़ियां मत खरीद लेना, और एक्सपेंसिव तो बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं। अभी एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं फ्रांस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला, मॉल में तो वही वो लोग जाते हैं जिन पे पैसे ज्यादा पड़े हैं, अब खर्च कहां करें, तो मॉल जाना पड़ता है। अब वो मॉल वाले आपसे रेंट का, किराए का, एडवर्टाइजमेंट का, बड़ी बड़ी सारे खर्चे निकालती हैं। हर साल $500 बिलियन के कपड़े फेंके जाते हैं, पता है आपको, $500 बिलियन के कपड़े फेंके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गए, उनको फेंक देते हैं। तो जिस चीज़ के हो सकता है आप 2000 दे रहे हो, 4000 दे रहे हो, वो बगल वाले किसी अच्छी लोकल मार्केट में 350-400 का वही मटेरियल लगभग आपको मिल रहा होगा, तो अभी आप पैसे भी नहीं कमा रहे हो। तो समझदारी इसमें होगी कि जनाब आप बजाय मॉल के एक अच्छी लोकल शॉप से लें। बाकी सबकी अपनी अपनी, जैसा जैसा आपका बजट है, जैसे जैसे आपके, ठीक है, मेरे मेरे को सपना। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वो है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स पे भी मैं सेम चीज़ कहूँगा। देखो, मोबाइल फ़ोन से एंटेनलेस आपको अपना करियर इंस्टाग्राम या और किसी फील्ड पे बनाना है, तब ठीक है, आपका कैमरा क्वालिटी मैटर करता है, या फिर आप फोटोग्राफी में जाना चाहते हो और इनिशियल DSLR का पैसा नहीं है, तब मैटर करता है। अदरवाइज आप एक अफोर्डेबल फ़ोन लेते हो, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव आईफोन का बजट नहीं है फिर भी आप पुश कर रहे हो, एक अच्छे एंड्रॉयड का बजट नहीं है फिर भी आप पुश कर रहे हो, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कॉलेज के शुरुआत के 3 से 4 साल, एक छोड़ो 3 से 4 साल, पहले दिन एक सैमसंग का कोई फ़ोन था लेके गया था, पहली बार टच स्क्रीन फ़ोन 2015 में, बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा बर्थडे आ गया 10 दिन बाद, सबने उठा के मेरे को बर्थडे बम्स मारे, जेब में मोबाइल फ़ोन था, टूट गया। तो दो सीख मिलती हैं, पहला, नहीं मारने चाहिए बर्थडे बम्स का, दूसरा, ऐसे टाइम में अपने फ़ोन को अपने दोस्त को दे दें, ठीक है, वरना वो टूट सकता है। तो वही यार, 8-10 हज़ार का फ़ोन था उस टाइम, आज भी लगभग वही प्राइस है, आज तो इनफैक्ट सस्ते में ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं, और उसी से 4 साल निकाल दिए, तो आप भी अराउंड से निकाल सकते हैं, बजट अगर आपका भी मेरी तरह नहीं था तो। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैंने गर्ल्स हैं उनसे भी इनपुट कराई, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, अब इस वीडियो को कुछ लड़कियाँ भी देख रही हूँ, तो वो क्या चीज़ अपने साथ लेकर आए ये भी आपको बता देता हूँ। पहला, पेपर स्प्रे आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, साथ में दूसरी चीज़ छाता, अम्ब्रेला, ठीक है, वो आपको धूप और बारिश से बचा रहा होगा। ये चीज़ लड़कों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, हमारे टाइम में हमने इतनी यूज़ नहीं करी, पर आप नहीं तो एटलीस्ट आप नेहा के बारे में तो सोच ही सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये ज़रूर काम आ रहा होगा, ठीक है, पेपर स्प्रे, अम्ब्रेला, ये सब हो गए। कैलकुलेटर आप में से काफ़ी बच्चे पूछ सकते हैं, कैलकुलेटर अभी मत परचेज करना, एक बार आप कॉलेज में घुस जाओ, जैसे ही आपका कोर्स होगा, तो काफ़ी कोर्सेज में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स मना किए जाते हैं, तो जो आपका प्रोफेसर रेकमेंड करता है कि भाई ये कैलकुलेटर आपको मॉडल नंबर के साथ बताएंगे, वो आप अपना जाके नियर बाय स्टेशनरी से परचेज कर सकते हैं, ये 500 से लेकर 1000 रुपये के बजट के बीच में आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ की जनाब अगर हम बात करें, क्या बहुत सारी कॉपियाँ मत ले लेना, जैसे स्कूल में हम ले लेते थे 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में, बिल्कुल भी नहीं। और फर्स्ट हैंड बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वो महंगी पड़ेंगी, आपका 1500-2000 का बिल बैठ जाएगा। सेकंड हैंड बुक्स लेनी है, या फिर PDF से काम चला सकते हो तो वो भी ठीक है। तो आ गया, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में सबसे पहले, कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले जाके मेट्रो करके सीनियर से पता चला ये बुक्स कहाँ मिलती हैं, उस मार्केट में गया, किताब के मार्केट से बुक लेके आया, कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ अभी वापस आ रहा हूँ ऐसे मोटिवेटेड होके। सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड हैंड किताब लेना स्टार्ट कर देते हो, थर्ड में भी वही लेते हो, फोर्थ सेमेस्टर में क्या होता है, ऑनलाइन PDF से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपके पैसे भी बच जाते हैं उसमें, और आप उसको वापस रीसेल कर देते हो, वापस मिल भी जाते हैं। किताबों में आप एक ठीक ठाक रजिस्टर ले सकते हो, मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, 5 रजिस्टर मत लेना। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो कि एक सिंगल रजिस्टर लाते थे और उसी में 5 सब्जेक्ट का होता है, काफ़ी ऐसे भी थे जो कि इनफैक्ट क्लास के टॉपर्स थे, एक रजिस्टर लाते थे, आज मैथ्स लिख लिया, अच्छा अब साइंस लिख लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका इंग्लिश है वो लिख लिया, ये सब्जेक्ट नहीं होते, अलग सब्जेक्ट होते हैं, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर जैसे ही पेपर आते थे तो मैथ्स के सारे फाड़ के और उनको स्टेपल कर लेते थे, साइंस के सारे फाड़ के उन्हें स्टेपल कर लेते थे। एक रजिस्टर इज मोर देन इनफ, ठीक है, 1 रजिस्टर इज मोर देन इनफ, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हो। अगर आप एक हॉस्टलर हो, हाँ, आपकी लिस्ट बढ़ने वाली है, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा DO/परफ्यूम, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या है, डे स्कॉलर हमसे ज़्यादा साफ रहते हैं, वो मम्मी पापा के छत्र छाया में रहते हैं, जितने हॉस्टलर हैं वो ज़्यादा साफ रहते हैं, तो उन्हें डीओ और परफ्यूम की सख्त ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में जैसी आपकी कॉलेज में व्यवस्था है, आपको एक कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर एयर कंडीशन नहीं है, आजकल तो एयर कंडीशन हॉस्टल रूम्स आपको जनाब मिलने लग गए हैं। साथ में काफ़ी सारे अंडरगारमेंट्स आप अपने साथ, वो आपको रखने पड़ेंगे, आप कपड़े एक्स्ट्रा मत लेके जाओ, गारमेंट्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, वो सब अपने रख सकते हो। और
जैसे मैंने अपने हॉस्टल रूम में क्या क्या लगाया था, देखो दिल्ली थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो एक कूलर। अब कूलर को अगर आप अकेले चलाते हो तो बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, या फिर आपको गेट खुला रखना पड़ता है जिससे कि एयर फ्लो हो सके। तो साथ में एक छोटा सा एग्जॉस्ट लगा लिया गया था, और जब ये दोनों साथ में चलते हैं तो काफ़ी आपका ठंडा कमरा हो जाता है। क्या फ्रिज वगैरह? फ्रिज आप में से काफ़ी के कॉलेजेस अलाउ नहीं करेंगे, हमारे वालों ने भी नहीं किया था, पर कुछ ले आए थे और किसी को पता नहीं चलता क्योंकि वो पर्दे के पीछे होता है। तो वो इच्छा अनुसार, अभी फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जैसे ही आप अपनी जगह को थोड़ा जान जाओ तब आप सोच सकते हैं कि यार वही छोटे मोटे चीज़ें हैं। हॉस्टल में जाओगे तो आपको बेड अपना लेना पड़ेगा, काफ़ी जगह सिर्फ गत्ते होते हैं, बेड ऊपर नहीं होता, वो आप अपना नया परचेज करते हो। आ जाते हैं आपके 2000 से लेके 5000 के बजट के बीच में, जो आपको ठीक लगे वो आप परचेज ले लें। बकेट वगैरह, मग्गे वगैरह ये लेने पड़ेंगे, मतलब बताने की चीज़ नहीं। आप जैसे जाओगे ना डे वन पे, वैसे वैसे आप इनकाउंटर करते जाओगे। ये कॉलेज की एक ऐसी जर्नी होने वाली है जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। यहाँ पे आप कुछ दोस्त भी बनाओगे जो कि आपको लगेगा कि आपके साथ जीवन भर रहेंगे, पर रियलिटी ये जैसे ही आप अपनी जॉब के अंदर घुसोगे वो पीछे कहीं ना कहीं छूटते जाएंगे। पर इन 4 साल के दौरान, 5 साल के दौरान या 3 साल के दौरान, जो भी आपकी डिग्री है, कुछ बेहतरीन मेमोरीज ज़रूर बनानी है। कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो जैसे आपके मार्क्स है वैसा आपको अकॉर्डिंगली मिल गया, किसी का बजट था वैसा मिल गया। कॉलेज के 4 साल बेहतरीन आप स्वयं अपने लिए बनाते हैं कि आप कितना इन्वॉल्व थे अपनी पर्सनल ग्रोथ के अंदर। शर्माते हो डिबेटिंग सोसाइटीज़, ड्रामेटिक सोसाइटीज़, इनमें चले जाओ। कुछ हॉबी चाहिए, डांस सोसाइटीज़, म्यूज़िक सोसाइटी, इनके अंदर चले जाओ। पर कुछ कुछ करो, एक पॉइंट के बाद 6 महीने बाद लगता है पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, छोड़ दो उनको, इतने में आपको एक्सपोजर मिल गया। करते जाओ, नई चीज़ें सीखो। कॉलेज के एंड तक आपके पास एक ऐसी स्किल ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप बाकियों से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो प्लेसमेंट में सबसे बेहतरीन होने चाहिए, ठीक है। और कुछ और साइड हसल है तो साइड हसल में आप अपने कॉलेज और आस पड़ोस के 10 कॉलेजेस में सबसे बेहतरीन होने चाहिए। अगर वो चीज़ आप कर देते हो तो जनाब आप ठीक है, सक्सेसफुल हो गई फिर आपकी कॉलेज लाइफ। और इन्जॉय करना इसे, मैं डेडिकेटेडली बोल रहा हूँ, ठीक है। वो व्यक्ति जिसको आप सोच सकते हो ज़्यादा घिसू थे हम कॉलेज में, कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, इतनी कर ली जितने बोर्ड में नंबर नहीं है उससे ज़्यादा मैथ्स में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ गए, पर धीरे धीरे रियलाइज़ किया ये चीज़ नहीं थी, तो साइड असल पे ज़्यादा ध्यान दिया। मे बी वो चीज़ आप में से काफ़ियों के अंदर हो। एक्सप्लोर ज़रूर करना, कुछ खोने को नहीं है, सब कुछ सीखने को है। और 18 साल की उम्र में मेरे पापा मुझे कहते थे, बेटा अभी आप पैदा हुए हो, अभी उम्र 0 है, यहाँ से काउंट स्टार्ट करो। 24 का हो गया हूँ, 6 हो गए हैं, आपका भी जन्म हुआ है। जन्म हुआ है मतलब मैं 24 का हो गया हूँ, मतलब 6। अभी सीखने को बहुत कुछ है, भूख रखना अपने अंदर, हंगर का वो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पास्ट को भूल जाओ, नई शुरुआत हो चुकी है जर्नी की। बाय, टेक केयर, सी या।